जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज ये मोबाइल है रेडमी का ए टू प्लस। इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है पिन, और इसको याद नहीं है। तो इसको कैसे हटाते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास अगर पीसी नहीं है और आपका पैटर्न फंस गया है गलती से, तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। बिना पीसी से आप कैसे हटाएंगे। तो हमको क्या करना है, मोबाइल को सबसे पहले ऑफ़ कर लेना है, उसके बाद वॉल्यूम प्लस जो बढ़ाने वाला वॉल्यूम होता है, उसके बाद पावर स्विच, वो दोनों एक साथ दबा के रखेंगे। ये हम चार्ज में लगाएं इसलिए इसे दिखा रहा है। और उसके बाद हम मोबाइल को रिकवरी मोड में लेकर जाएंगे, वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ स्विच। अगर वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ स्विच दबाए रखे नहीं जा रहा है, आपको जब MI लिख रहा है उस टाइम में आप ऑन ऑफ स्विच छोड़ सकते हैं और वॉल्यूम प्लस दबाए रखना है, जब तक रिकवरी मोड में ना चला जाए। और उसके बाद हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा। एक बार में अगर नहीं हुआ, दूसरा बार आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद ये इतना दिखाने के बाद, अगर इतना आपको दिखाता है, तो आपको वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ स्विच फिर से एक बार क्लिक करना है, फिर से दबाना है, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा वो जो लिखा रहता है, ये हमारा देख लीजिए आ गया। तो इसमें हमको कहाँ जाना है, देख लीजिए, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, उस पर चले जाना है। तो वॉल्यूम प्लस और माइनस से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो और ऑन ऑफ स्विच से हमको ओके दबाना है। तो हम ऊपर ऑन ऑफ वॉल्यूम प्लस से कर लेते हैं और ओके दबा देते हैं। और उसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट करने का कंफर्म बोल रहा है, तो हम नीचे लाकर इसको ओके बटन दबा देंगे, हमारा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, एक मिनट, ये नीचे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो चल रहा है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, आपका जितना भी डाटा है सब खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमको रिबूट कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में ही है फर्स्ट में रिबूट सिस्टम नाम, उस पर आपको ओके कर देना है। तो ये हम ओके कर दिए, और फिर से आपको एक बार कन्फर्मेशन बोलेगा, तुमको कंफर्म कर देना है और रिबूट हो जाएगा। आपका जितना भी डाटा होगा, जितना भी फ़ोटो, जितना कंटेंट होगा, सब खत्म, आपका पैटर्न लॉक भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल के सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी भी भूल चुके हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, गूगल अकाउंट लॉक लग जाता है, FRP लॉक जिसे बोलते हैं, वो FRP लॉक लग जाता है, तो उसको भी हटाया जाता है। अगर याद नहीं है तो, याद है तो डाल दीजिए और अपना सेटअप आगे कर लीजिए। तो अगर वो याद नहीं है तो भी हम वीडियो में बता देंगे। और भी हमारा इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आपको FRP लॉक MI का कैसे हटाते हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। FRP लॉक का अगर आप नहीं जानते हैं, तो इसके बाद हम वीडियो डाल देंगे इसी मॉडल का, कि इसका कैसे FRP हटाया जाता है, वो भी आप दिखा देंगे। ये देख लीजिए, आपका पैटर्न लॉक हटा है या नहीं, वो चेक करा देते हैं हम। तो ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, हमारा पैटर्न सब हट चुका है, आप सिंपली सेटअप कर सकते हैं। अगर FRP लॉक लग जाए तो अगला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मोबाइल से जुड़ी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोग ऐसे ही हम मोबाइल से जुड़े अपडेट लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।